से तो है, लड्डू बच्चों को संभाल रही, तो फिर मैं जल्दी कर जा रही। चलो जिया का टिफिन पैक करना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब बड़े अच्छे से खुशहाल होंगे। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई हो आप सब बड़े अच्छे से खुशहाल होंगे। और मैं बहुत जल्दी मैं आपको वेलकम कर रही हूँ। एक्चुअली मैं जा रही हूँ बुआ के घर। कल बुआ ने बोला था ना सुहागले करी है, संकट थी ना जिसमें सुहागिनों को खाना खिलाते हैं, तो बस मैं बुआ के घर जा रही हूँ। देखो मैंने सूट पहना है, चलिए बुआ के घर जाके मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे बुआ के घर आ गए हैं और ये देखिए मेरे पाँव में महावर लगाया जा रहा है। हमारे यूपी एमपी में मतलब ज़्यादातर मतलब पूजा पाठ में महावर बहुत कंपलसरी होता है, कि श्रृंगार है। तो बस यहाँ पे ये शिल्पा जो है बुआ की बहू, वो मुझे मतलब ये महावर लगा रही है और सारी लेडीज़ों ने महावर लगा रही हैं। और उसके बाद ये महावर लगाने के बाद इसको याद से जब लग जाता है उसके बाद इसको प्रणाम करना पड़ता है, पाँव छूने पड़ते हैं, क्योंकि सुहागन औरतें होती हैं वो ये व्रत में मतलब खाना खाती हैं, और एक साथ में विधवा भी रखी जाती है और एक कन्या भी रखी जाती है। तो यहाँ सुहागले बेसिकली सात मतलब स्त्रियाँ खिलाई जाती हैं, और एक उसमें विधवा होती है और एक कन्या होती है। और ये देखिए खाने में जो संकटा होता है, जो सुहागले होती हैं उसमें खाने में एक मिठाई और दही साथ में रखा जाता है। तो बस यहाँ पे जितनी लेडीज़ें थी उनके हिसाब से यहाँ पे मतलब प्लेट लगा दी थी। और ये देखिए संकटा माता को श्रृंगार भी चढ़ाया हुआ है, चूड़ी बिंदी का, नेल पॉलिश का। तो बस यहाँ पे पूजा वगैरह बुआ ने कर ली है बेसिकली, और एक छोटा सा हवन भी करते हैं तो वो भी कर दिया। और ये देखिए जो प्रसाद है ना, ये सबको एक दूसरे को दिया जा रहा है, ये देखो। और ये ऐसा होता है कि मतलब हाथ में चुन्नी या जो अपना आँचल है उसमें पकड़ के ही ये सबको एक दूसरे को हम पास कर रहे हैं। और ये पूजा इसको लेके गोद में पूजा लेके सुननी है, और उसके बाद में इसमें खोंच भरना है। खोंच भरना है मतलब कि जो अपनी अपनी कटोरी में जो ये प्रसाद है वो थोड़ा थोड़ा सा एक कटोरी में निकाल के रखना है, जो कि वो बुआ खाती हैं। तो फिर उसके बाद कन्या सबसे पहले ये भोग लगाएगी, और जब कन्या खाएगी और खाने के बाद वो बोलेगी कि हाँ खाओ, उसके बाद हम सब लेडीज़ों को खाना है। अब मैं कथा पढ़ रही हूँ, संकटा देवी व्रत कथा, व्रत विधि या अब कथा पढ़ने के बाद जो जो हम लोग के मतलब गोद में जो प्रसाद हमने निकाला रख के सुन रहे थे, वो प्रसाद इस हवन अग्यारी में हम चढ़ा देंगे, और इसके बाद हम अब आरती करेंगे। तो बस यहाँ पे आरती हो गई है। अब हम जो बुआ के लिए मतलब खोंच लगाएंगे, मतलब कि ये जो हमारा प्रसाद है उनमें से सब स्त्रियाँ उनको थोड़ा थोड़ा प्रसाद देंगी और वही उनको प्रसाद खाना। और ये देखिए छोटी सी कन्या बैठी है, इसने सबसे पहले खाया, उसके बाद हम लोगों को बोला है। और बोलते हैं कि प्रसाद जितना जल्दी खाते हैं, जो स्त्री जल्दी ख़त्म कर देती है उसकी मन्नत पूरी हो जाती है जल्दी, और दूसरा कि ये जब ये हम प्रसाद खाते हैं तो हमको इसको बीच में बात नहीं करनी होती है। और ये देखिए जो हमने मिट्टी के जो पांच वो जो टुकड़े रखे हैं, डेले रखे हैं, उसमें कंकु चढ़ाया हुआ है, तो बस वही कंकु हर एक को मतलब चुन्नी में लगा के आंचल से तीन बार अपने मतलब सर पे लगाना है। और उसके बाद सिंदूर लगाने के बाद जो चूड़ी है बिंदी है उसका भी श्रृंगार करना है।
तो सारी स्त्रियां दो दो मतलब चूड़ी पहन रही थी, तो मैंने भी दो ही पहनी थी, लेकिन बुआ ने मुझे देखो इतनी सारी पहना दी थी। और यहाँ पे देखिए बुआ की जो बहू है वो भी अभी श्रृंगार वगैरह कर रही है, और फिर सारी स्त्रियों ने इस तरीके से अपना अपना श्रृंगार करा और माता रानी के मतलब हाथ जोड़े और सब ने मतलब प्रार्थना करी अपने अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए। और ये देखिए सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, और बस इस तरीके से हमने व्रत किया। हर जगह अलग अलग तरीके से व्रत होता है। बुआ ने इतनी सारी मेरे को चूड़ी पहना दी, नेल पॉलिश भी लगाई वहाँ पे जो मंदिर में रखते हैं, बिंदी भी देखो छोटी बिंदी तो मैंने लगाई थी और ये दूसरी भी बिंदी लगाई है। चलो घर चलते हैं, बाकी सब लोग अभी बैठे हैं, पर मैं क्या बच्चों को छोड़ के अकेले घर आई थी, तो से तो है लड्डू बच्चों को संभाल रही, तो फिर मैं जल्दी घर जा रही हूँ। चौंकी हुई रोटी खा के जाएगी, और ये पोहा मैंने उसके लिए बना दिया है खट्टा मीठा। एक्चुअली मुझे मतलब मुझे है ना नमकीन पोहा पसंद है, तो ये मैंने मेरे लिए निकाल दिया है, और ये इतना सा जिया के लिए डाल दिया है, ये इसमें चीनी मिला दी है। वो खट्टा मीठा पोहा खाती है, मेरे हस्बैंड भी खट्टा मीठा पोहा खाते हैं, तो ये उन दोनों के लिए खट्टा मीठा पोहा बना दिया। का सीन क्या है, ये एक्चुअली जब भी से मैं बनाती हूँ ना ये जल जाती है, उसका रीज़न ये है, दिखाती हूँ आपको। ये है ना, ये नीचे का तला है, तो ये सैंडविच तवा बोलते हैं जिसको, सैंडविच लेयर बोलते हैं, तो यहाँ नीचे का नहीं जलता है ये, लेकिन ये हमेशा कढ़ाई यहाँ से जलती है। तो आप हमेशा देखते होंगे ना कि ये अभी थोड़ा सा गर्म है, ये देखो नीचे का नहीं जला है, क्योंकि नीचे का जो बॉटम है वो सैंडविच बॉटम है, मतलब नीचे अलग से एक्स्ट्रा लेयर लगी है, लेकिन साइड का ये पतला है इसलिए काला हो जाता है बनाने के बाद। चलो जिया का टिफिन पैक करना है।